वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जथेदार बलदेव सिंह चुंगा, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हलका भदौड़, जिला बरनाला तों बोलदा हां। सारे सिख जगत नूं कह लो, जां सारे पंजाबियां नूं कह लो, जां जिहड़े भी कोई पंजाबी समझण वाले बंदे लोक ने, उहनां नूं इस गल दा बड़ी भली भांत पता कि 14 तारीख नूं, 14 अप्रैल नूं पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान तख्त श्री दमदमा साहब जांदे ने। उन्हां दे बरखिलाफ श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल कहिंदे ने वी उह तख्त साहिब ते दारू पी के मत्था टेकण आए ने। मैं उन्हां दे सन्मान दे विच सी। उन्हां दे सुखबीर जी दे इह बयान तों बाद, इह स्टेटमेंट तों बाद सारे मीडिया ने मेरे नाल राबता करना शुरू कर दिता। मैं जो सच सी वह बयान दिता भी भगवंत सिंह मान साहब की कोई उस वेले ड्रिंक नहीं सी कीती, कोई उन्होंने जिहड़े है कोई उन्होंने को समैल सेंट कुछ नहीं सी आ रहा। इस गल तो नाराज़ होकर अकाली दल के प्रधान ने मैं 6 साल वास्ते श्रोमणी अकाली दल के कढ़ दिता। तो उस तो भी मैनू इस गल का जिहड़ा, मैं एक सिख संगत को बेनती करनी चाहना कि मैं पहला भी यह गल दसी सी कि ये बंदे इतने ज़्यादा बुखलाए हुए ने इस वेले श्रोमणी अकाली दल की जी, उन्होंने धरातल है जी पोलीटिकल जमीन से उन्होंने पैरों थल निकल चुकी है। हुण वो की कर रहे हैं, वह जितों भी कोई माड़ी मोटी भी आवाज़ कोई करन दी मेरे वर्गा सच बोलने की कोशिश करता, उन्हों दबाउण वाले पासे नूं शुरू कर देंदे ने। इस कारण करके ही अज तक कोई जिहड़ा अकाली दल का कोई नुमाइंदा चाहता हो भी सच नहीं सी बोल सकता, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी जमीर हुंदी आ, अपना अपना खिलाक हुंदा, मेरा अपना सुभाअ, हर बंदा अपने सुभाअ दे अपने खिलाक दे वस है। बेशक मेरे ते भी सवाल उठदा वी 2015 तो लैके गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी तो लैके अज तक अनेक अजिहे कारनामे ने जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार दे विच हुंदे रहे ने, वी तू क्यों नहीं बोलिया। मैं चाहुंदा सी वी मैं बोलां, पर किते मेरियां वफादारियां लगातार 30-35 साल तो पार्टी च काम करना, वह मेरियां वफादारियां सी जिहड़ियां मैनूं उह पासे नहीं सी होण दिंदियां। फिर समा आया, जां इह भी मैं गल कह सकदा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं इह गल पाउंदी सी, कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह तख्त श्री दमदमा साहिब वल मूँह करके बठिंडे की धरती तो कुटघात दे विच पड़ के झूठ बोलते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही होया कि सरदार सुखबीर सिंह बादल ने धार्मिक स्टेज तो कोई धर्म की गल करन दी बजाए, कोई 1699 की विसाखी की गल करन दी बजाए, कोई पंज प्यारियां की गल करन दी बजाए, उस धार्मिक स्टेज के उत्तों एक गल है जी नशर कर दी कि सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब का मुख्यमंत्री दारू पी के आया। मैं उस गल का जो मैंने पूछा लोगों, मैं सच बोल दिता। वो सच बोलने के उत्ते इतने ज़्यादा सरदार सुखबीर सिंह बादल तो उन्होंने जोड़े है साथी घबरा गए कि उन्होंने पहला फैसला लिया मैंने पार्टी को बाहर कर दिता। हुण फिर एक इन्होंने होर सारे हथ कंडे जोड़े मैंने पता से जो इन्हों की आदत है, क्योंकि बंदा पैसे के बहुत ज़्यादा पैसा बहुत है इन्होंने कोल, इन्हों के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे है, कितने एक साधारण किसान का बेटा बलदेव सिंह चुंगा वर्गा मेरे वर्गा बंदा, कितने सरदार सुखबीर सिंह बादल जी के बहुत दुनिया का सरमाया। पर मैं एक गल महसूस करदा भी जो कुछ मेरे को है, जो मैं सिख जगत ने जो मैं पंजाबियों ने प्यार दिता, वो सरदार सुखबीर सिंह बादल लखा करोड़ों रुपया दे के भी खरीद नहीं सकता जो प्यार मैं पंजाबियों ने दिता। मैं जिस तरह एक आम साड़ी इतिहासक गल है कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह शहीद कर लगे ने, तो जनाब मुहम्मद शेर खां मलेरकोटला जिहड़ा नवाब है वह कचहरी दे विच बैठा सी। उन्हें यह गल कही कि सानू ये जिहड़े सानू कुरान जां साडा धर्म मुसलमान धर्म इस गल की इजाजत नहीं दिंदा, सानू ये कुछ नहीं करना नहीं चाहिए, ये मनुखता के प्रति पाप है, आपां इन्हां दे बाप दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल लड़ांगे ते उन्हां नाल दो हथ करके आपां जित्तांगे, कि बच्चों नूं मार देना उन्हां नूं शहीद कर देना अपराध है। कहिंदे जदों इह कोई भी उन्हां दी गल दी सुनवाई ना रोस वजों उस सभा दे विच्चों सूबे वजीर खां दी कचहरी दे विच्चों उठ के आ गया, उहनूं साडे सिख जगत ने हां दा नारा ना दित्ता कहा भी शेर मुहम्मद शेर खां ने बच्चों के वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादियों वास्ते हाँ का नारा मारिया, तो लोग अज तक उस हाँ के नारे की कदर करते हैं। असी भी उस इतिहास के उस गुरु गोबिंद सिंह के पैरोकार हैं। जे मैं सच बोल दिता तो अज सरदार सुखबीर सिंह बादल में मेरे सच बोलने के उत्ते इन्ने होशे कंडिया के हाथ में उतरिया जिन्हें मैं पहला भी पता सी। मैनू अज भी लोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विचों भी श्रोमणी अकाली दल विचों बहुत जिहड़े सियाने सज्जन सीनियर सज्जन ने जिहड़े शरीफ ने वो मैं बहुत यह भी कह देंगे ने भी तैं यह पंगा क्यों लैणी, तैनू सच बोलने की की लोड़ पई सी। हुण मैं उत्थे इक्को गल कर सकदी, जां तां मैं गुरु तों आपदे गुरु तों बेमुख हो जाता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तों बेमुख हो जाता, तो मैं सुखबीर सिंह बादल की बोली बोलता। जे मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का हुक्म जो जिमें उत्थे मुहम्मद शेर खां ने हाँ का नारा मारिया, मैं सच के खातर हाँ का नारा मार दिता,
ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਹ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਐਡੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਤਾ ਜਗਤਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਹਿਲ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 85 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗਾ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 6-7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੱਤਲ ਡੂਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗਾ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪੈਰਵਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਠੋਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਪੂਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਕੋ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਗਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
मैं कदे भी नहीं कहा भी मैं भी भगवंत मान खातर सरदार जी सीएम पंजाब खातर सच बोलिया भी मेरे ना गवर्नमेंट खड़े लो मेरे कोई ऐसा कोई नहीं मैं लोगों जो लोग ने लोगों की ताकत को मैं बड़े गिणदा सो मेरी लोगों जरूर बेनती है मेरी पंजाबियों बेनती है मेरी गुरसिखा बेनती है भी अज एक गुरसिख की लाज की गल आ गई हुण हाथ थोड़े दे मेरी लाज रखनी मैनू किस थान उत्ते खड़ाओगे मैं उत्थे खड़ूंगा पर एक गल मैं तुहानू थोड़े नाल वादा करना फिर अज वो लोग होर आ जिहड़े मैं पहलां भी कहा थुक के चट लैंदे आ जान जा सकती है कुछ भी हो सकता है पर स्टैप जो सच तो पिछे नहीं मुड़ो कदे ना 2 साल ना 10 साल कदे ये नहीं कहूँगा भी मैं झूठ बोलिया सी जी भगवंत की शराब पीती मैं तो उ कहता जो सच से वह कहा वो शराब नहीं पीती सी मैं कह दिता नहीं पीती परंतु ये होर कुछ नहीं कर सके एक पास का बाल सरदार सुखबीर सिंह बादल कहना मेरी दखलअंदाजी कोई नहीं है श्रोमणी कमेटी च एक पास श्रोमणी कमेटी के प्रधान में ऐ तुन के भी जाओ तुम किसी भी ढंग के ना उन्होंने मुलाजमान तो जथेदार के बरखिलाफ लेके लिखा के लैके आओ ता कि आप कोई नुकसान कर सकी वो आप कोई परचा करा सकी वोरी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैंबर तुम लोगों ने 10,000 वध वोटा दे जिता के दूजे कैंडीडेटा के नालों इतों मैं भेजा होया सो पूरी जी मैंबरी है वनू भी डिस्टर्ब कर सकी हालांकि मैं पता भी ये कख नहीं कर सकते होंगे मैं ये भी गल जानता क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वचन है गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं भय कानून को देत ने नह पै मान तमा आन कहते गुरसिख कौन है मेरा सिख कौन वो आ मेरा सिख जिहड़ा ना किसी तो डरदा ना किसी डरा आप जपजी साहब शुरू करते हैं उहदे जी भी मार कहते निरभाउ निरवैर अकाल पुरख का जिहड़ा है खालसा अकाल पुरख की मौज प्रगटिव खालसा परमात्म की मौज आप परमात्मा की मौज के नाल प्रगट होए हुए लोग हैं सो मेरी ये बेनती करने वास्ते अज मैं ना मेरे भरावां नूं कहा सी भी बहुत ज़्यादा ये मुलाजमान डिस्टर्ब कर रहे हैं ये मेरे नाल जो मैनू करना मेरे ते परचा करा देना मैंने जो भी करना इन्हां जो इन्हां नूं चंगा लगता वो मेरे नाल ही कर सकदे आ पर जब उन्होंने गरीब मुलाजमान कहदे वास्ते उत्थे बैठ के 8-9 जो बंदे उत्थे आए बैठे आ वो पत्तल डूने फरोली जांदे आ बैठे हालांकि मुलाजमान ने कह दिता भी जिहड़ा तुहानूं गलत रखदा जी साडे ते कारवाई कर दिओ सानूं कोई इतराज़ नहीं असी जे सच्चे होवे तो सारी कोर्टा राही भी आ जाएंगे नहीं असं लोगों को दसा उन्होंने ये गल नहीं सुनते उन्होंने ये गल कह रहे हैं वार बार भी तुम ए नहीं जरदार बलदेव सिंह चूंगा के बरखिलाफ लिख के देवो सो मैं बाड़िया गल् ना करा मैनू मैं दरबार साहब भी जाना सी मैं एक गल विसर गया मैं उतों कोई सज्जन का सरावान चो फोन आया मैं सरां च रुकद जाके उ वो कहने लगे जसदार जी इतने 2-3 बारी थोड़े बारे ना पुछ पड़ताल हुई है भी जसदार चूंगा तो नहीं इतने आया वो मैंने कहते हैं भी जो भी दरबार साहब आना बड़े ध्यान के ना आना भी ये लोगों का की हों रस्ते कोई एक्सीडेंट जे वो जी इंसल्ट करा देने 4 बंद लैके इसे करके मेरा जोड़ा मैं दरबार साहब माफ़ी मंगने वास्ते जाना स मैं इसे करके उ अकाल तख्त साहब तो इसे करके मैं उतो लेट हो गया सो मेरी बेनती है सारे सिख जगत को बार बार ना तो मेरा यह मैं कोई कूकों मारदा भी मैं कोई डरदा देखो मेरी बेनती हथ बन के गल दसनी थानू मेरा फर्ज बनता है वक्त लंघे तो मैं जो गल करता फिर वह तुम मैं कहना से भी तुम सू जसदार जी पहला ना दस्या सो मेरा किसी पार्टी ना कोई संबंध नहीं कोई मैनू कांग्रसी ना कोई नहीं वे कांग्रसी आ मैं तो गुरसिखा के ना मैनू कोई ये नहीं भी आप वाला मैनू कोई ये नहीं भी सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब को मन वाला मैनू ये नहीं जे अकाली दल के भी बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग ने जोड़े मेरे वर्गे सच बोलना चाहते हैं सो मेरी सारे उन्होंने इंसाफ पसंद लोगों को बेनती है कि कृपा करनी मेरी पिठ दे उत्ते खड़ना मेरे मे मैनू मैं तुहाडे नाल खड़न करके ही है जिहड़ा मैं इस गल नूं मैं जिहड़ा फेस कर सकूँ चढ़ती कला दे विच रहूँगा तुहाडे नाल वायदा है तुहाडे नाल कीते हुए वायदे नूं कदे भज्जांगा नहीं तुसीं मेरा साथ देना गुरु मेरे अंग संग रहे ये मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है बोलदिआं कोई भुल चुक हो जाती है मैं सारे गुरु पंथ दे कोलों दोनों हथ जोड़ के खिमा मंगदा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।